अपने डाइव फुट की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हुए सोशल मीडिया पर आज़म मंसूरी की बात करें तो कल उनका निगाह जो है वो हो ही गया, क्योंकि काफी अरसे समय से जो है उनकी एक शिद्दत थी कि उनका निगाह जो है जल्दी हो जाए, और जिसको लेकर जो है वो पुलिस अधिकारियों तक जो है उनसे उन्होंने गुहार लगाई कि उनके घर वालों को मनाया जाए ताकि वो अपनी शादी जो है वो कर पाए। फिलहाल उन्हीं की शादी से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के शामली में रहने वाले डाइफुट के अजीम मसूरी की बात करें तो आखिरकार उनकी शादी जो है निगाह जो है वो हो ही गया, और हापुड़ जो है वो पहुंचे अपनी दुल्हन को लेने के लिए, और जिसके बाद उन्होंने निगाह पड़ा और उनकी शादी जो है वो मुकम्मल हो गई। और अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि उनकी जो वाइफ है वो हापुड़ की रहने वाली हैं, और वो कुछ 3 फीट की हैं, और बुशरा उनका नाम है, और उनके साथ जो है उन्होंने ये निगाह जो है वो किया है। और वहीं अगर आजिम की बात करें तो काफी अरसे समय से जो है वो अपनी शादी करना चाहते थे, और जिसको लेकर अगर हम बात करें तो बताया गया है कि यूपी में जो है पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों तक वो गए उनसे गुहार लगाने के लिए कि उनके घर वालों को मनाया जाए ताकि वो अपना निगाह जो है वो कर सके। और उसके बाद अगर बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के सीएम तक पहुंचे, पूर्व सीएम तक भी पहुंचे, उनसे भी उन्होंने गुहार लगाई, और जिसके बाद वो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी थे, और हर किसी को इंतजार था कि कब जो है उनके घर वाले मानेंगे और उनका निकाह हो पाएगा। और आखिरकार ये भी बताया गया कि जब उनके घर वालों से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले हम चाहते हैं कि हमारा मकान जो है वो बन जाए, और उसके बाद जो है दोनों भाइयों की हम शादी जो है वो करवाएंगे। पर लोगों की बात करें तो बताया जा रहा है जब उन्होंने कल निकाह किया और लोगों को पता चला तो काफी ज्यादा भीड़ जो है वहां देखने को मिली, और जिसके बाद काफी ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए, और उसको देखते हुए जो है पुलिस अधिकारियों को भी बुलाना पड़ा सिक्योरिटी के लिए। और उसके बाद उन्होंने उन तमाम लोगों से भी मुलाकात की। उनके फैंस की बात करें तो वो वहां पर पहुंचे, और उससे जो है उसके बाद उन्होंने अपना निगाह किया, और उनकी आखिर जो मुराद थी वो साफ तौर पर पूरी जो है हो गई। और अगर इनकी बात करें तो 29 साल जो है इनके वर्ष बताई जाती है। और आजिम मंसूरी की बात करें तो कोतवाली पहुंचकर जो है पुलिस से शादी कराने की जो है उन्होंने गुहार भी लगाई थी, और कहा था कि सर आप पुलिस की हूटर वाली गाड़ी बुला लो और मेरे साथ घर चलो, और मेरे अब्बू अम्मी जो हैं वो मेरी शादी करने के लिए उनसे जो है वो सिफारिश करो, और मैं आपका ये एहसान जो है जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो उन्होंने जो है पुलिस अधिकारियों को कुछ इस तरह कहा था, और जिसके बाद वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ये वीडियोस जो हैं काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। और आज जब उनका निगाह कल जो है उनका ये निगाह हुआ है, और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश नजर आए, और एक बार फिर से जो है सुर्खियां में जो है साफ तौर पर आजिम की बात करें तो उन्हें देखने को मिला, और आप साफ तौर पर देखेंगे कि वो काफी ज्यादा खुश नजर आए कि उनकी ये बरसों की जो मुराद थी वो आखिरकार जो है पूरी हो ही गई है। तो आप देखिए किस तरह से वो लोगों से मिलते हुए आए, और किस तरह गाड़ी सजाई हुई थी, और वहां पहुंचे हापुड़, और वहां पर जाकर जो है उन्होंने निगाह की, और हापुड़ की रहने वाली 3 फीट की बुशरा के साथ जो है उन्होंने निगाह किया है, और जिसके बाद वो अपनी दुल्हन के साथ जो है अपने घर लौटे। तो फिलहाल यही खबर आपके साथ साझा कर रहे थे, जहां पर कई लोग होंगे इसी तरह उनकी मुरादें रहती हैं, और इसी तरह से डाइफुट केस आजम मसूरी की बात करें जो यूपी के शामली के रहने वाले थे, और इनकी भी काफी अरसों से मुराद थी और सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल थे, और कल जो है इन्होंने अपना आखिरकार निकाह जो है इनकी मुराद जो है वो पूरी होगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।